नमस्कार दोस्तों, वाहन भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये इंडिया में अब बहुत रेयरली देखने को मिलती है। ये रूस्टॉन का जनरेटर है, या डीजल इंजन कह लीजिए इसे। मेनली ये डीजल इंजन है और इसमें फिर फाइन बेल्ट के जरिए मोटर लगा के इसे जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मैं इस चीज़ के बारे में बता दूँ, ये जो इंजन है ये 1849 का इंजन है। आज़ादी और देश के बंटवारे से बहुत पहले, उस चीज़ को भी मैं दिखाऊंगा कि ये आपको भरोसा हो जाएगा कि ये आज़ादी के पहले का ही इंजन है। और ये इंजन काफ़ी टाइम तक चला है, फिर उसके बाद ये अब नहीं है, अब ये ऐसे ही खड़ा है। मैं इस इंजन के बारे में चीज़ें बता दूँ, इसमें क्या क्या कुछ है, क्या नहीं है, क्या चल सकता है अभी भी। मान लीजिए ये लगभग पूरा का पूरा अभी भी चल सकता है, क्योंकि एक सिलेंडर का इंजन है इसमें। तो चलिए अब मैं इस इंजन के बारे में इस हर एक चीज़ को जितना मैं जानता हूँ वो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। ये जो आप ढक्कन देख रहे हैं, ये खुल जाता है, जैसे और गाड़ियों का बम्प वो बोनट होता है वैसे ही ये खुल जाता है। और इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक का इसमें पिस्टन है, और ये पिस्टन की ये क्रैंक की शाफ्ट है। ये देखिए, ये जो तो आप देख रहे हैं ये क्रैंक की शाफ्ट है। यहाँ पे तेल भरा जाता था, मोबी ऑयल भरा जाता था, और इसे घुमाने के बाद फिर से इसमें मोबी ऑयल भरा जाता था, पूरा मोबी ऑयल। और ये थोड़ा और नीचे यहाँ पे लाने के बाद ये मतलब पूरा का पूरा खुल जाता था, तब ये क्या कहते हैं आसानी से स्टार्ट हो जाता था। देखिए ये आपको शायद पिस्टन दिख रहा होगा, ये जो चीज़ है ये इसका पिस्टन है। ये इंजन दो तरीके से स्टार्ट होता था, मैं वो दोनों चीज़ें भी दिखाऊंगा आपको। ये इसका यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक मीटर होता है। ये मीटर, ये जो आप दोनों पाइप देख रहे हैं, इनका ये ऑयल दिखाने के लिए हुआ करता था। उसके बाद ये इसका क्लीनर है, इसमें फ़िल्टर लगा रहता है जो कि क्लीन करता है इसको। और फिर ये जो आप शाफ्ट देख रहे हैं, ये जब पिस्टन घूमता था तो ये शाफ्ट भी ऐसे गोल गोल घूमती थी। और ये पिस्टन में आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये लॉक भी लगा हुआ है, ये आधी अंदर से कटी हुई है, तो जब ये घूमता था तो ये भी घूमा करता था। इसके अंदर बैरिंग भी है यहाँ पर, और ये घूमती थी तो फिर ये भी पूरा घूमता था, और इसके ज़रिए ये भी रोटेशन लिया करता था। उसके बाद इधर आइए, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज। ये जो आप देख रहे हैं ये चोक लीवर है, ये इसका चोक लीवर है, और ये भी रोटेट करता था। अब मैं बताता हूँ ये चीज़ें चला कैसे करती थी। ये जो आप देख रहे हैं ये घूमा करता था, और ये यहाँ पे आप देखेंगे इसका शेप कुछ अलग सा है। तो ये जब इधर आता था तो ये नीचे आता था, तो यहाँ की स्प्रिंग ऊपर झटका दिया करती थी, और फिर उसके बाद जब ये ऊपर आता था तो ये वाला उठता था, तो यहाँ से प्रेशर रिलीज हुआ करता था। उसके बाद ये इसका प्रेशर जो मतलब ऑयल जो है जब ज़्यादा हो जाए तो इसे हल्का रिलीज़ करने के लिए होता था। उसके बाद ये सामने जो कुछ इस तरह है, ये इंजन का मेनली का सामने का पूरा व्यू है। ये इसका साइलेंसर है, ये जो है ये बाहर निकला हुआ है। उसके बाद मैं आपको फिर दिखाता हूँ कुछ साइड्स, इसमें खासियत क्या है और चीज़ें क्या हैं। ये यहाँ से पानी जो इसमें भरा जाता था, पानी भी आता था, तो वो यहाँ से निकला करता था। ये जो है रॉड, यहाँ से पानी बाहर निकलता था। फिर उसके बाद ये आप जो फ्लाई व्हील देख रहे हैं, ये फ्लाई व्हील बहुत ही बड़ा है। आप किसी ट्रैक्टर के टायर या फिर उससे भी बड़ा है ये फ्लाई व्हील, और ये बहुत वजनी है। उसके बाद ये यहाँ से फाइन बेल्ट के ज़रिए वो मोटर लगी है, उसमें ये करंट जनरेट पैदा हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे जैसे जनरेटर में अब लगाते हैं घुमाने के लिए, उस तरह यहाँ पे भी लगा करता था, जिससे ये घूमता था और
स्टार्ट हुआ करता था। ये दूसरा प्रोसेस है। इसके बाद मैं आपको अब इसमें जो चीज़ है मेन कि आपको भरोसा होगा कि ये मेड इन इंग्लैंड है, ये दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, रूस्टॉन एंड हॉर्न्स बाय लिंकन इंग्लैंड। ये देखिए, इंजीनियर लिंकन इंग्लैंड। ये रिवर्स एम्पियर है। ये आपको यहाँ तक, ये 350 तक ही ज़्यादा होने पर ही सही रहा करता था। उसके बाद ये जो आप टैंक देख रहे हैं, इसमें एयर भरी जाया करती थी। एयर भी इसमें भरी जाती थी। और ये एयर का मीटर है, ये देखिए, ये एयर का मीटर है। और ये जो आप बॉल देख रहे हैं, इसे घुमाया जाता था प्रेशर, एयर प्रेशर देने से, जिससे ये फ्लाई व्हील घूमे। और जब ये घूम अपने उसमें निश्चित उसमें आ जाता था, तो इसे बंद कर दिया जाता था। और फिर जो यहाँ पे ये लीवर है, ये नीचे जाके इसे ऊपर उठा के यहाँ पे लॉक कर दिया जाता था। तो ये इंजन कुछ इस तरह स्टार्ट होता था। और इस इंजन के बारे में बता दूँ, ये एक घंटे में 4.5 और 4 लीटर के लगभग डीजल लिया करता था उस वक्त जब ये चलता था। और इसी से पूरे गोविंदगढ़ और अमरकंटक को बिजली आराम से दी जाती थी। मैं वो भी दिखाऊंगा इसमें कि क्या आपको भरोसा हो जाएगा। आप वीडियो पूरा देखिए। हाँ, ये देखिए, ये इसमें फायर मतलब ये इलेक्ट्रिक का पूरा सिस्टम है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें मेड इन इंग्लैंड है। कुछ भी जो है सब कुछ। ये देखिए, अमरकंटक ग्रिड सप्लाई, ये अमरकंटक तक यहाँ से बिजली जाया करती थी। ये सारे मीटर्स इसके। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ, ये वास्तविक में आज़ादी के पहले का है। ये देखिए, इसमें ये डेंजर का बोर्ड लगा है, 440 वोल्ट खतरा, 440 वोल्ट, ये पंजाबी में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, माफ़ करिएगा, ये पंजाबी में है और ये सिंध की शायद भाषा में लिखा हुआ है शायद, मुझे भी इस बारे में कोई कंफर्म नहीं है। ये देखिए इसका मीटर। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इंजन है, ये वास्तविक में ही मेड इन इंग्लैंड है। और ये इंजन पूरे के पूरे गोविंदगढ़ को, रीवा को, शायद रीवा को भी ये बिजली दिया करता था, पर अमरकंटक का अब कन्फर्म ही हो गया कि अमरकंटक तक इसी इंजन के ज़रिए बिजली जाया करती थी। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, ऐसे ही और वीडियो आपको देखना हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।